जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और मैं अभी यहाँ पे अकेले खड़ा हूँ। बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं इधर, बहुत सारा बंदे बहुत खेल रहे हैं। बट मैं कल भी आप लोग को बताए थे कि बिहार वाले का जो भर्ती था 16-17, कुछ बंदे को कराया गया था। उस समय शांत था बट कुछ भगदड़ के वजह से उसको स्थगित किया है। उस भर्ती को 27-28 के बाद अपडेट दिया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, या फिर आप स्कूल कोचिंग कहीं भी पढ़ रहे हैं, ग्रुप में हैं, किसी भाई दोस्त से भी पूछते रहें तो अपडेट आप लोग को मिलेगा किस दिन कैसे भर्ती होगा। बाकी बात, मैं जो कल अपडेट दिए थे ना, बताए थे ना, वो मैंने अधिकारी से लेटर पढ़वाया था तो तभी मैंने बोले थे। ये मत सोचना कि अपने मन से बोल रहा था, नहीं, वहाँ पे वो जो लाल वाला कैंप दिख रहा है ना, वहीं पे मैंने शाम में आए थे और मैंने हल्ला भी किए थे माइक में बोल के। अगर किसी बच्चे ने सुना होगा तो जरूर बोलेगा कि हाँ बोला था शिक्षा समाचार वाले कि भर्ती को स्थगित किया गया है। तो इसीलिए आज भर्ती जो था 17 को बिहार वाले का, वो नहीं है, उसका डेट निकालेगा। तो आप आना, कल से भर्ती रेगुलर है, जिस राज्य का जिस डेट में है सही समय पर अपना व्यवस्था के साथ आएँ। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा जहाँ पे रहें तो साफ सफाई उसे कर दें, क्योंकि केला उला का छिलका खा के फेंक देता है भाई, उस पर किसी का भी पैर हाथ टूट सकता है, ठीक ना। वो छिलका या पट भरे रहे या चित भरे रहे, लेकिन वो स्लिप करता है पक्का, इसीलिए उसको आप पन्नी में कहीं डस्टबिन में दे दें या कहीं साइड में दीवार में खड़े कर दें। बाकी रहा कि आप लोग फुल्ली व्यवस्था के आएँ, आप अपना जोश जुनून के साथ आएँ, भर्ती देखें, शांति माहौल बना के रखें। अगर हुड़दंग करोगे बिहार वाले की तरह तो आप लोग के बाद भी समस्या हो सकता है, आपको दोबारा भी आना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग शांति मन से आएँ। और मेरे पास कोई अभी अभ्यर्थी नहीं जुड़ा है जो मैं कुछ उनसे भी बात करके बताऊँगा, कुछ नहीं है। बाकी बात, भर्ती बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रैक है 150 चक्कर लगाना पड़ेगा और ट्रैक सब भी ठीक ठाक है, बच्चे कम बैच बना रहे, टाइमिंग फुल मिलता है, ठीक ना। आपको टाइमिंग अच्छा मिलेगा, बहुत बच्चे पकड़ रहे हैं। जिस बच्चे का कल बच गया था डॉक्यूमेंट के लिए, उसका एंट्री टाइप पे मैं, वो नौलखा मंदिर है वहाँ पे एंट्री कर रहा है डॉक्यूमेंट के लिए। ये जो ग्राउंड है इसका एक्चुअली हम, मेरे को नाम नहीं पता है क्या है, ये ग्राउंड सैनिक चौक है, बारीक ग्राउंड है, जो भी है लोकल नाम पता नहीं। बट आप लोग ये पता रहे कि दानापुर रेलवे स्टेशन आते हैं तो आप ऑटो वाले को कहीं किसी को बोले मेरे को सैनिक चौक जाना है, सैनिक चौक आएंगे आपको A to Z पता चल जाएगा। तो आप यहाँ आएँ और यहाँ से 2.5 किलोमीटर करीब नौलखा मंदिर है, वहाँ एंट्री गेट है, वहाँ पे आपका कुछ दस्तावेज चेक होगा, उसके बाद एंट्री कर देगा। बस एक ही चीज़ रहे कि शांति मन रहे, आराम से रहें, जैसे जो कह रहा है वैसे फॉलो करें, अन्यथा फिर बदमाशी कर देंगे, हुड़दंग करेंगे तो फिर समस्या बन सकता है। फिर मिलते हैं क्वालिफाई वाले के साथ, मेडिकल वाले के साथ। देखिए क्वालिफाई वाला का अलग अलग कुछ मैं बता सकता हूँ, टाइमिंग, डॉक्यूमेंट, हाइट, ठीक है। बट मेडिकल जो होता है ना, अग्निवीर हो, सब का आर्मी हो, टेटोरियल आर्मी हो, GD हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, करल को, नर्सिंग असिस्टेंट हो, कोई भी हो, सबका मेडिकल सेम होता है भाई। इसीलिए आप लोग, ये ने बोला मेडिकल का वीडियो, मेडिकल दुनिया भर मेडिकल का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देखें, एक फुल रिव्यू भी मेडिकल का है, किस तरह का मेडिकल होता है, किस तरह का नौकरी, जांच, आँख, रेटिना सब होता है, आप लोग उसे जाके देखें। फिर मिलते हैं और दिन और अपडेट के साथ। अगर कुछ डाउट है तो मैं कमेंट नहीं रिप्लाई दे पा रहा हूँ भाई, तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज करता है या कम्युनिटी में कमेंट करें, कम्युनिटी में देख लेता हूँ, उसमें कम कमेंट रहता है। जय हिंद।